चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, आखिर में हरियाणा के युवा बच्चों के भविष्य को नीलाम करने की खबर, पुलिस कांस्टेबल के पेपर को सरेआम बेचने की खबर, 30-30, 40-40 लाख रुपया में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर बिक रहे हैं, ये खबर सच साबित हुई। हरियाणा के युवाओं की आवाज बुलंद करने की बात, आखिर में खट्टर सरकार तो दम दबाकर दुबकी रही, पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ये पेपर खारिज करना पड़ा। आज सुबह हुआ और दोपहर को हुआ, दोनों पुलिस कांस्टेबल के पेपर खारिज कर दिए गए। कल भी जो दोनों सुबह और दोपहर बाद पेपर होने थे वो भी खारिज कर दिए गए। खट्टर साहब, हरियाणा के लाखों युवाओं के भविष्य के लिए, खिलवाड़ के लिए कौन जुम्मेवार है? दुष्यंत चौटाला जी, क्या ये सब्ज बाग दिखाकर आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं? सच्चाई ये है कि पेपर लीक माफिया के तार हरियाणा के सत्ताधारी सफेद पोशों से जुड़े हैं, उच्च आला अधिकारियों से जुड़े हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोगों से जुड़े हैं। आई बार पेपर लीक हो जाता है, आई बार FIR दर्ज होती है, 7 साल में एक इंक्वायरी होकर एक माफिया और सरगना और गिरोह को आपने ना पकड़ा ना सजा दिलवाई। क्या इसके मायने ये नहीं कि भाजपा जजपा सरकार के तार कहीं ना कहीं शायद पेपर लीक माफिया से जुड़े हैं? हरियाणा के युवाओं से कितना और अन्याय करेंगे खट्टर साहब? पर्ची और खर्ची की ये सरकार, रिश्वत और पेपर लीक की ये सरकार, इसको अब चलता करने का समय आ गया है। ये हरियाणा के पुलिस कांस्टेबल के पेपर लीक मामले से साफ है। सामने आइए मुख्यमंत्री जी, वक्तव्य दीजिए, बताइए कौन सा वो सफेद पोश है जो पेपर बेच रहा था, कौन सा वो अधिकारी है जिसके उनसे तार जुड़े हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वो कौन कौन है जो पेपर लीक माफिया का अड्डा बन गया है? इसका जवाब हरियाणा के युवाओं को देना पड़ेगा, नहीं तो हरियाणा का नौजवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। जय हिंद।